तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरजासंगैक श्रृंगारिणे नद्यशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्तिने नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीनयस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मेत तं नृसिंहमहं भजे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भक्तवत्सल भगवान की
सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भाव भावेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय श्री डॉक्टर स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य सेवानंद जी महाराज, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, भगवान अहेतुकी कृपा करके उनसे प्रेम कैसे होता है, उनके प्रेम का कारण क्या है, उस कारण की चर्चा भगवान कर रहे हैं। भगवान श्री उद्धव जी महाराज को कह रहे हैं कि भक्त की संपूर्ण क्रियाएं मेरे लिए, मन का अर्पण मेरे लिए और सभी कामनाओं का त्याग मेरे लिए। हमारे महर्षि कहते हैं कि कई बार जब त्याग करने की बात आती है ना, जैसे जगन्नाथपुरी में पहले लोग जाते थे तो कहते कोई फल का त्याग करके जाओ, तीर्थ में कई जगह कहते कुछ त्याग करके जाओ। तो व्यक्ति जब त्याग करने का विचार करता है तो जो उसके काम का नहीं होता उसी का त्याग करता है। मानो जैसे हमको कोई कहे कि कुछ त्याग करो, कोई फल त्याग दो, तो मैं विचार करूंगा कि केला त्यागूं तो केला तो महाराज बढ़िया पैकिंग वाला हलवा है, कई बार कुछ न मिले तो केला से पेट भर जाता है, सेव त्यागूं क्या त्यागूं, तो बाद में निश्चय यही करूंगा कि गूलर का फल नहीं खाऊंगा, क्योंकि गूलर का फल पहले से ही नहीं खाते। अब जो उपयोग का नहीं उसके त्याग से कोई परिवर्तन होने वाला है क्या? तो चालाकी हम लोगों की ही होती है, जो काम की चीज न हो वो त्यागते हैं, किंतु सचमुच में त्याग तो उसी का त्याग है जो अपने लिए महत्वपूर्ण हो और वो हम उनको त्याग दें उनके लिए। जैसे संसार में, वैसे तो कलयुग में अर्थ प्रधान समय है, यहाँ अर्थ की बहुत महत्ता है कलयुग में, तो भगवान कह रहे हैं मदर्थे अर्थ परित्यागः, मेरे लिए अर्थ का परित्याग कर दे कि अब हम अर्थ का संग्रह नहीं करेंगे। और वैसे भी सच्चाई तो ये है अर्थ की तीन गति ही हैं, नीतिकार ने भी यही वर्णन किया, अर्थ माने पैसा। अर्थ की तीन गति क्या हैं कि तो उसका दान कर दो, तो दान करोगे तब भी त्याग होगा, और या उसका भोग कर लो, उपयोग कर लो तब भी त्याग करना पड़ेगा, और यदि दान और उपभोग नहीं किया तो नाश तो निश्चित ही है। अच्छा, जिसका त्याग हम नहीं कर मन दान भी करें तो दान इसलिए नहीं कि लोग हमको दानी माने, लोग हमको त्यागी माने, दान का उद्देश्य धन अर्थ का परित्याग इसलिए हो कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे, भगवान के लिए। दान देते समय ध्यान रहे कि हम दान किसी गरीब को नहीं भगवान को दे रहे,
वो महर्षि हमारे सुनाते हैं कि एक सज्जन ने, वो जब गांधी जी थे तब भारत के स्वतंत्र होने के समय की घटना, एक सज्जन ने उस समय लाख रुपए, 3 लाख रुपए निश्चित रूप से, उस समय 3 लाख का, 3 करोड़ रुपए तो इस समय है ही, उस समय का 1 लाख और इस समय 1 करोड़ बराबर ही है। पहले किसी के पास लाख रुपया होता तो कहते लखपति है, अब लाख रुपया तो रिक्शा चलाने वालों के पास रखा रहता है, तो अब अर्थ का अवमूलन हो गया। तो 3 करोड़ रुपए से उन्होंने दान दिया, और दान दे करके उन्होंने कहा इसके ब्याज से वेद विद्यालय चलेगा, ट्रस्ट बनाया। अब उनका उद्देश्य तो वेद विद्यालय चलाने का था, किंतु संयोग ऐसा बना कि ऐसे ट्रस्टी आए उस ट्रस्ट में, महर्षि सुनाते हैं कि उन लोगों ने महाराज गरीबों को वहां जूता बनाने की फैक्ट्री सिखाने, जूता कैसे बनाया जाए, ऐसे बच्चों को रखकर जूता बनाने की प्रणाली सिखाने के लिए रख लिया पैसे से। वो बड़े सज्जन परेशान, क्योंकि उन्होंने तो दान दिया था, ट्रस्ट इसलिए बनाया था कि वेद विद्यालय बनाया जाएगा, यहां वेद पढ़ाया जाएगा। तो उस समय गांधी जी के पास गए वो, और गांधी जी से कहा कि मैंने इस उद्देश्य के लिए धन का दान दिया था और ये लोग ऐसा कर नहीं रहे। तो गांधी जी ने उनको पूछा कि तुमने त्यागा था कि नहीं, दिया था कि नहीं, और जब दे दिया तो फिर अधिकार कैसा उसमें। कई बार हम दान देने के बाद भी उसमें अपना अधिकार रखते हैं, हम लोगों के पास तो रोज समस्याएं आती हैं। कोई कहता हमारी नानी का कमरा है, कोई कहता हमारी परदादी का कमरा है, और यहाँ कमरा बना हुआ है इसलिए हमको यहाँ रहना है। तो हमने कहा तेरी परदादी को मरे कितने दिन हुए। अब एक सज्जन तो झगड़ रहे थे, बोले हमारे अमुक अमुक ने कमरा बनाया था वहाँ और हमको कैसे नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कैसे बनाया था, बोले दान देकर बनाया। तो हमने कहा अधिकार हो, अधिकार रहा कहाँ तुम्हारा। हमने तो हंस करके हमने कहा अधिकार रहा कहाँ तुम्हारा। तो कई बार दान दे करके भी अधिकार रखना चाहते हैं। हमको तुम्हारा एक बात इतनी अच्छी लगी, एक माता जी यहाँ हैं वृंदावन में अभी भी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी भगवत कृपा से मकान भी बनाकर हमने ब्राह्मणों को दान दिया और सब कुछ दे चुकी हैं, एक वाहन नहीं दिया है, तो मेरा वाहन देने का मन है किसी ब्राह्मण को। तो हमने कहा कौन सा वाहन देने का मन है, बोले मोटरसाइकिल, कोई ब्राह्मण बता दो। तो हमने एक अपना बच्चा बता दिया कि इसको दे दो, साथ में रहता है सेवा में। संयोग से उनको कभी आना था आश्रम में, कथा चल रही थी, बोले कोई साधन नहीं मिल रहा, गर्मी का समय था, कोई साधन नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा कि मैं उसको भेज देता हूँ, तुमने मोटरसाइकिल भी दी है और वो तुमको बैठाल के ले आएगा। तो माता जी ने तुरंत कहा कि मैं उस मोटरसाइकिल में नहीं बैठूंगी, जो हमने दान दे दिया है उसका उपभोग हम कैसे करेंगे, अब उसका उपभोग हम कभी नहीं करेंगे, उस गाड़ी में हम कभी नहीं बैठेंगे जो दान दे दिया है। तो हमको उस दिन ध्यान में आया कि सचमुच दान तो इसी का है कि उस पर अपना अधिकार न रखा जाए, उसको अपना उपभोग में भी न लाया जाए, तब तो सच्चा दान होगा। तो अर्थ का परित्याग तो किया किंतु नाम के लिए कर दिया, काम के लिए कर दिया, अपने उपभोग के लिए कर दिया, वो सच्चा दान नहीं है, सच्चा त्याग नहीं है। भगवान कह रहे हैं मदर्थे अर्थ परित्याग, मेरे लिए अर्थ का परित्याग हो, और भोगस्य च सुखस्य च। ये भोगस्य का अर्थ हमारे श्रीधर स्वामी पाद करते हैं, तत्साधनस्य चंदनादेह, जो भोग के साधन हैं चंदन वृंता आदि, उसका भी उपयोग का त्याग करें। अब शरीर को सजाने की जरूरत नहीं है, अब तो मन का श्रृंगार करें, भोग की सामग्री आकर्षण की सामग्रियों का भी परित्याग कर दे
और सुखस्य च, सुखस्य पुत्र उपलालन महाराज लालना दे, ये संतानों को इसमें भी सुख मिलता है। ये संतान को पुत्र पौत्र को जो गोदी में खिलाते हैं, लाल लड़ाते हैं, हमारे महर्षि तो महाराज इतनी सूक्ष्म वृत्ति से कई बार बात हरदम करते हैं। हम कई बार चिंतन करते हैं, थोड़े महर्षि ने तो एक जगह अपने प्रवचन में कहा कि जो महात्मा लोग बच्चों को खिलाते रहते हैं, बोले ये भी स्पर्श का सुख लेते हैं, ये हमारी वृत्ति में नहीं था। जो बच्चों को छूना है, स्पर्श करना है, उनके कपोल में हाथ लगा देना, उनके शरीर में हाथ लगा देना, छोटे छोटे बच्चों को गोद में खिलाना, चूमना, ये भी स्पर्श का सुख है। इसमें भी पता नहीं चलता है कि संस्कार पड़ रहे हैं। भगवान इतनी सूक्ष्मता से वर्णन कर रहे हैं, अगर निश्चित रूप से भगवान से प्रेम करना है तो ये सुखस्य च, माने जो संतानों को बच्चों को लाल लड़ाना है, उनका स्पर्श आदि करना है, उसका भी परित्याग कर दे। अर्थ का परित्याग, भोग साधन का परित्याग, और ये स्पर्श आदि का जो बच्चों का लालन आदि सुख का, उसका परित्याग। और अब करना क्या है, ये त्याग की बात हो गई। ये इसमें निश्चित रूप से सारे संसार का त्याग आ गया। मैं आज विचार कर रहा था कि सुख का, भोग का और अर्थ का, इन तीन में ही सारा संसार समाया हुआ है। कि तो अर्थ में समाया हुआ है, कि तो भोग में समाया हुआ है, कि तो ये सुख की सामग्री में समाया हुआ है। तो इसका परित्याग करके करना क्या है, बोले इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यत व्रतम तपः। ये जो भी करो महाराज, जो भी करो, क्या करें, इष्टम दत्तम हुतम जप्तम, आप यज्ञ दान होम जप व्रत और तप करना है तो सब कुछ मेरे लिए करो। जप क्यों करना है, कि भगवान प्रसन्न होंगे, अथवा अंतकरण की पवित्रता हम होकर के भगवान की अनुभूति होगी। व्रत क्यों करना है, अब एक सज्जन से मैंने पूछा कि व्रत, वो सप्ताह में दो दिन व्रत रखते थे और सबको कहते थे कि मैं दो दिन व्रत रखता हूँ। तो मैंने एक दिन एकांत में पूछा कि दो दिन व्रत रखते हो आप, सप्ताह में पांच दिन भोजन करते हो, दो दिन, तो उन्होंने कहा कि हमको वैद्य ने बताया है, तो अगर रोज भोजन करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो व्रत कई बार व्यक्ति भगवान के लिए नहीं करता, स्वास्थ्य के लिए करता है। कहते हैं फास्टिंग है हमारी, क्यों भाई, उसका उद्देश्य भगवत प्रसन्नता नहीं, स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहेंगे तो भोग भोगेंगे। व्रत भी भगवान के लिए, कई बार हमारे जीवन में तप आता है, तब भी भगवान के लिए नहीं है, वो प्रदर्शन के लिए। एक गंगोत्री में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी, तो गंगोत्री के जिधर गंगा मंदिर है उसके दूसरे साइड वो आश्रम था, और एक महाराज संत कमर तक गंगा जी में खड़े होकर के जल में माँ को पुकारते थे, माँ 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 घंटों। तो हमारी दृष्टि वहां से कमरे से पड़ती थी कि माँ 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 पुकार रहे हैं खड़े होकर, हमको लगता था अरे ये तब भी कर रहे हैं और पुकार भी रहे हैं। तो एक दिन मध्याह्न कथा में मैं कथा के बाद निकल पड़ा, तो जैसे जाने लगा तो महात्मा बोले किस समय कहाँ जा रहे हो, तीन बजे से फिर कथा है। तो हमने कहा जो माँ माँ पुकारते रहते संत उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि महाराज आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ रहते हैं तो हम उनको जानते हैं, वो माँ के लिए माँ को नहीं पुकार रहे हैं, इस ढंग से भगत आते हैं उनके पास में और भगत उनको पैसा चढ़ा कर जाते हैं, उनको पुकारना भी भगवान के लिए नहीं है। अर्थ के लिए बोले मेरे पास आकर झगड़ते हैं और कहते हैं कि आप सबको देते हो हमको क्यों नहीं देते हो। तो फिर मैं गया नहीं, दूर से ही प्रणाम कर लिया। तो कई बार तप होता है ना, महर्षि ने तो वर्णन किया है कि कुंभ आदि में
महाराज कांटों पर सो जाना, अग्नि चारों तरफ जला, इसका उद्देश्य तप तो है ये, किंतु तप का उद्देश्य भगवत प्रसन्नता नहीं है, संसार को रिझाना है। ध्यान रखें कि ये जो कर्म हो रहे हैं मदर्थम, मेरे लिए, मेरे अर्थ के लिए प्रयास करके, तो भाई होगा क्या इससे? आहा, ये देखिए भगवान से प्रेम होने का जो फल है। आज ये दोनों श्लोक मैं देख करके बहुत आनंदित हो रहा था। एवं धर्मम, एवं धर्मम मनुष्याणाम उद्धवात्मनिवेदिनाम। हे उद्धव, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करेगा, आत्मनिवेदन करेगा, कर देता है, तो मई संजायते भक्ति ही। इस प्रकार से भोग का, सुख का, अर्थ का परित्याग करने से मिलेगा क्या? आपको क्या कहें, जो हम अर्थ संग्रह से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो अर्थ त्याग से प्राप्त कर सकते हैं। भाई हम लोग अर्थ का संग्रह क्यों करते हैं, भोग की सामग्री का संग्रह क्यों करते हैं कि उससे हमको सुख मिलेगा? किंतु संग्रह में सुख तो कम, दुख ज्यादा मिलता है। एक तो संग्रह होता है तो हमने तो अनुभव किया है, थैले में यात्रा में रुपया ना हो तो बढ़िया नींद आती है, कोई परवाह नहीं होती है। और यात्रा में रुपया हो तो नींद नहीं आती, बार बार नींद खुलती तो थैला देखते, थैला है कि कोई ले गया। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि जिनके पास है वो ज़्यादा खाते हैं, जिनके पास नहीं है वो कम खाते हैं। कई बार हम तो ऐसा देखते हैं, जितना बढ़िया भोजन प्रेम से खा करके जो महाराज जिनके पास संग्रह होता है वो उतना नहीं खा पाते, जितना महाराज जिनके पास संग्रह नहीं वो खाते। आवश्यकता की पूर्ति तो कभी किसी की रुकती नहीं है, कभी किसी की आवश्यकता की पूर्ति रुकती नहीं, आप देख लीजिएगा। हाँ, हो सकता है कि ब्रांडेड कपड़े न मिले, किंतु कपड़े तो मिलेंगे। और हो सकता है आपके वासना के आधार पर भोजन न मिले, किंतु भोजन तो मिलेगा। किंतु यदि ये संग्रह किया जाएगा उसका क्या फल है, और यदि ये धर्म का पालन किया जाए, आत्मनिवेदन आदि किया जाएगा, तो उसका क्या फल है? भगवान कहते मई संजायते भक्ति ही। ये जो एवं धर्म मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम, जब समर्पण करके ये सारा जो जिन धर्मों का, भागवत धर्मों का हमने वर्णन किया है अभी, उससे क्या होगा? मई संजायते भक्ति ही। पूज्य श्री सीधर स्वामी पाद लिखते हैं, मई प्रेम लक्षणा संजायते भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाएगी। और यदि प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में जागृत हो गई तो भगवान कहते हैं को अन्यो अर्थः अवशिष्यते, अब क्या पाना शेष रह गया। जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आ गई उसको अप्राप्त तो अब कुछ रहा नहीं। जो रामचरितमानस में कृतकृत अब कृतकृत्य भयो में, ये जो कृतकृत्य शब्द है ना, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अब उसको कुछ पाना शेष नहीं रहा। यदि प्रेम लक्षणा भक्ति आ गई, देखो भाई अर्थ का संग्रह क्यों? सुख के लिए। ये सारी भोग की सामग्रियां क्यों? सुखी रहने के लिए। और हम तो देखते हैं जिसका संग्रह करते हैं सुखी रहने के लिए, सुख तो मिलता नहीं है, संग्रह करते सुख के लिए हैं। सारा आयास प्रयास होता है कि इससे हमको लोग बड़ा कहेंगे, लोग अमुक कहेंगे, किंतु अशांति के अलावा कुछ नहीं। और उसका यदि त्याग कर दिया जाए तो भगवान कहते हैं मेरे लिए त्याग किया जाए, तो इस प्रकार का जो धर्म है, जो मनुष्य महाराज भागवत धर्म का पालन करता है, आत्मनिवेदन कर देता है, तो उसके हृदय में मई संजायते भक्ति ही, ये प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाएगी। और यदि प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी तो उसको कुछ प्राप्त करना
शेष नहीं रहेगा, वह कृतकृत्य हो जाएगा। और अब उसको कुछ करना शेष नहीं रह गया। और यदि महाराज ये नहीं करते हैं, आप अपना चित्त समर्पित नहीं करते हैं, इसमें क्या, इस प्रकार धर्मों का यदि पालन करने से निश्चित रूप से यदात्मन्य अर्पितम चित्तम, देखो भाई सारी उपाधि का कारण तो ये चित्त ही है। यदि भगवान के चरणों में यदि समर्पित हो गया, आत्मा में समर्पित हो गया, आत्म शब्द का प्रयोग ही है, समर्पित हो गया तो क्या होगा, बोले ये निश्चित रूप से सत्वगुण की वृद्धि होगी। और जब सत्वगुण की वृद्धि होगी तो शांतम चित्तम, चित्त शांत हो जाएगा। आपको बताएं एकादश स्कंद में ही नवयोगेश्वर संवाद में एक बात बड़ी, कवि जी ने बड़ी रसीली बात कही। कवि जी तो कवि जी हैं, वो कहते हैं उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावात्। ये दुनिया में जितने भी ये दुख हैं ये कारण उद्विग्न बुद्धि के कारण है। अगर बुद्धि, और हमारे महर्षि ने कहा उद्विग्न बुद्धि देखना हो तो उसका अर्थ क्या है, जैसे किसी बंदर को कभी किसी जाल में बंद कर दो तो कभी इधर सरपटकता है, कभी उधर सरपटकता है, कभी उधर जाता है, एक मिनट शांति से बैठ नहीं सकता है। ऐसे हमारी बुद्धि ऐसी उद्विग्न है कि एक जगह हम शांति से बैठ नहीं सकते। हम तो महाराज आप लोगों को, ब्रजवासियों को तो धन्यवाद देते हैं कई बार जो तीर्थ में रहते हैं। हमको कई लोग पूछते हैं महाराज जी यदि हम वृंदावन में रहेंगे तो दिन भर करेंगे क्या, दिन भर करेंगे क्या। हमने कहा भजन करना, तो बोले भजन दो घंटे करने के बाद तो हमारा किसको कंपनी नहीं मिलेगी हमको, तो हमको लगता है हे भगवान। तो मैं उनको कहता हूँ एक बार रह करके देखो वृंदावन में, यहाँ तो समय कम पड़ता है। हम तो कई बार देखते कि यहाँ समय कम पड़ता है, ऐसा नहीं लगता कि महाराज कहाँ समय बिताएं। हमको लगता है समय और हो तो ये काम और कर ले। आज सुबह मैं देख रहा था, हमने कहा बहुत जल्दी समय बीत रहा है, होता तो एक टीका और देखता बैठ करके। तो कई लोगों को लगता है क्योंकि महाराज बुद्धि बहुत उद्विग्न है, अशांत है, और ये अशांति का कारण ध्यान रखिएगा इस संसार से रागी है। असदात्म भावात, असद के साथ जो आत्मभाव हो गया है वही इसकी महाराज दुख का कारण है। और यदि हम नारायण अपना चित्त आत्मा में अर्पित कर देंगे तो शांत, जैसे सब कुछ अर्पित किया धर्मों का पालन करने से चित्त में सतोगुण बढ़ेगा और उससे क्या होगा, शांति आएगी जीवन में। धर और क्या क्या मिलेगा, देखो ये चीजें बढ़ते बढ़ते धर्मम ज्ञानम सवैराग्यम ऐश्वर्यम चाभिपद्यते। हमारे हृदय में भागवत धर्म आ जाएगा। देखो प्रयास नहीं करना पड़ेगा, प्रयास ये करना है त्याग का, भोग के आदि का, धन का, और भगवान में सब कुछ अर्पित करते हुए जीने का, तो महाराज निश्चित रूप से धर्म आएगा। हमारे पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज एक बात बड़ी रसीली कहते थे, कहते थे भगवान के प्रेम से पता है क्या होगा। हम कई बार महाराज से क्या होगा भगवान के प्रेम करने से, बोले जैसे दो मित्र होते ना साथ में, तो साथ साथ रहते हो, एक दूसरे से प्रेम करते हो, तो जैसे एक दूसरे के सामने निरावरण हो जाते हैं ना, फिर कोई कपड़ा नहीं रखते क्या उनसे, जब प्रेम हो गया तो क्या कपड़ा रखना है, स्वामी जी कहते थे। तो वो निश्चित रूप से अपना आवरण हटा देते। तो ऐसे भगवान से जब प्रेम होगा आपका तो भगवान अपना आवरण हटा देंगे, और जैसे आवरण हटाया तो निश्चित रूप से फिर भगवान का विशुद्ध ज्ञान आपको हो जाएगा। ये जो माया का आवरण है,
माया के आवरण के कारण ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाता है। यदि माया का आवरण हट जाए, महर्षि की भाषा में कहूं, जो परमात्मा अभी नहीं वो परमात्मा कभी नहीं, जो परमात्मा यहां नहीं वो परमात्मा कहीं नहीं, जो परमात्मा अभी है यही है किंतु उसका दर्शन क्यों नहीं होता। बोले ये माया का पर्दा डालकर बैठा है। भागवत की भाषा में कहूं तो भागवत निश्चित रूप से कह, महाराज कुंती स्तुति में कुंती बुआ कहती है, माया यवनिका छिन्नम, आप माया का पर्दा डाल करके बैठे हो। तो जो ईश्वर यही है अभी है वह ईश्वर लक्षित क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि माया का पर्दा डालकर बैठा है। तो ये माया का पर्दा की तो गुरु हटाए की तो गोविंद हटाए, दोनों बातें। तो यदि की तो गुरु हटा दे, गुरु गोविंद दोनों एक ही है, एक के है, तो गोविंद हटा दे या गुरु हटा दे, तो यहां क्या होगा। जब आप इस प्रकार से भागवत धर्म आपके जीवन में आएगा आत्मविदन आदि का, तो भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, उससे क्या होगा। बोले यदात्मन्यर्पितम चित्तम शांतम सत्वोपबृंहितम ज्ञानम धर्मम ज्ञानम सवैराग्यम। देखो भगवान का ज्ञान होगा और संसार से वैराग्य होगा। ये संसार से वैराग्य क्यों नहीं होता है, इतने लोग कहते हैं महाराज वैराग्य की बात समझते तो हैं, जानते तो हैं, सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, किंतु वैराग्य नहीं हो पाता, राग द्वेष की शिथिलता नहीं हो पाती, क्योंकि चित्त शांत नहीं है। जब तक चित्त शांत नहीं होगा तो ज्ञान धर्म ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा। एक बात और भी, ऐश्वर्यम चाभिपद्यते, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कल ऐसे कोई चर्चा चल रही थी, तो अब कई बार तो दुराग्रह भी होता है, कई बार नासमझी भी होती है। जरूरी नहीं कि इसलिए संतों का संग किया जाए, वैराग्य किया जाए, तब ये शास्त्र के अर्थ भी खुलते हैं। नहीं तो वो महाराज अर्थ कर रहे थे कि जैसे ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसे हरिविद हरि भवति। हमने कहा ऐसा नहीं होगा, ऐश्वर्य हरि का जो गुण है, ईश्वर का गुण है, ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य जो है भगवान को यदि जानोगे तो वो ऐश्वर्य तुम्हारे पास नहीं मिल जाएगा, या सारे संसार को पालन करने का जो सामर्थ्य है वो ईश्वर में है तुमको नहीं मिलेगा, ऐश्वर्य का गुण नहीं मिलेगा। तो कहा ये ऐश्वर्यम चाभिपद्यते, ऐश्वर्य उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान ने इस ऐश्वर्य का अर्थ भी खोला है। भागवत को समझने के लिए भागवत का ही अवशीलन चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। तो एक तो धर्म जीवन में आ जाएगा, ज्ञान जीवन में आ जाएगा, संसार से वैराग्य जीवन में आ जाएगा, और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और यदि आप अपने चित्त को अर्पित ईश्वर में नहीं करते तो क्या होगा, यदर्पितम तद विकल्पे इंद्रियी परिधावती। ये जो तद विकल्पते, ये जो संसार है ना, इसमें यदि आपका मन लगा रहा और इसी में अर्पित रहा तो इंद्रियां परिधावती, ये निश्चित रूप से इंद्रियां भटकती रहेंगी, इंद्रियों को कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं है। आज यहां तो कल वहां, ये भटकती रहेंगी और चित्त रजोगुण वाला हो जाएगा, जिससे महाराज चित्त में अशांति पैदा हो जाएगी। रजोगुण यदि जीवन बढ़ा तो निश्चित रूप से रजोगुण के कारण, परिपूर्ण होने के कारण, असत वस्तु में लगी रहेंगी। असत वस्तु माने संसार में, रजोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति संसार में लग जाता है, और सतोगुण बढ़ेगा तो व्यक्ति परमार्थ में लगेगा, जिससे चित्त विपर्यम विद्धि, उसका चित्त निश्चित रूप से महाराज अज्ञान को प्राप्त होगा, मोह को प्राप्त होगा। यदि आपके जीवन में ये परमात्मा में क्यों आवश्यक है समर्पण, क्यों आवश्यक है भगवत भगवान के लिए त्याग भोग,
यदि इसका त्याग नहीं किया जाएगा तो मति संसार में ही लगी रहेगी। अरे महाराज, ये राजा बड़े बड़े महाराज लोग, ये संत लोग, कोई बुद्धि ढीली नहीं है इनकी कि सब सुख सुविधा छोड़कर भिक्षा का अन्न खाते हैं। हम कई बार सोचते हैं सब कुछ देने के लिए लोग तैयार हैं। आज मैं हृदय भराया गुरुजनों की करुणा का चिंतन करके, हम किसी संत के विरक्त के पास जाते थे तो स्वामी जी बहुत खुश होते थे, और किसी मंडलेश्वर के पास जाएं तो स्वामी जी दुखी होते थे। कई बार हमको डांटते भी थे, नाराज भी होते थे और कहते थे तू भटकता रहता है। एक दिन मैंने पूछ दिया कि महाराज जी, वो तो बड़े शास्त्रज्ञ हैं, विद्वान हैं, और आप उनके पास जाने के लिए क्यों रोकते हैं? तो स्वामी जी ने बड़े प्रेम से मेरे ओर निहार करके कहा कि बाबरे, तू बच्चा है अभी, ये सब वैभव देखेगा ना, तेरे को लगेगा कि यहाँ तो मैं अन्य क्षेत्र की रोटियाँ खाता हूँ, तख्त पर बिना बिछाए सोता हूँ, और इनके पास महंगे महंगे गलीचे हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और तुमको लगेगा कि ये जीवन छोड़कर वो जीवन अच्छा है। और यदि उस जीवन का आकर्षण तुम्हारे चित्त में आ जाएगा तो ये मनुष्य जीवन चला जाएगा, बहुमूल्य है। उस समय ये बात हमको समझ में नहीं आती थी। आज मैं इन श्लोकों का चिंतन करा था, जब भगवान दोनों की बात कह रहे हैं तो मुझे लगा ये गुरुजन ही जानते हैं, और कौन जानेगा। ये ऐसी करुणा गुरुजनों की, हमको लगता है कि जो हमको भोग से वंचित करे, सुविधाओं से वंचित करे, त्याग वैराग्य में मुझे लगाए तो हमारा दुश्मन है। किंतु सच्चाई ये है कि जो त्याग वैराग्य में लगाता है वही सच्चा हितैषी है हमारा, वही सच्चा हितैषी है। जैसे रोगी को यदि परहेज से कोई दूर रखे, मैं अनुभव करता हूँ, तो लगता है ये हमको सुख नहीं देना चाहता, जो परहेज की वस्तुएं दे दे उसको लगता है ये, किंतु उससे रोग बढ़ेगा। यदि हमारे जीवन में ये रजोगुण बढ़ा संसार में चित्त, उसकी परिणति क्या होने वाली है, उसकी परिणति भगवान ने बताया। फिर उन्होंने महाराज जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का अर्थ भगवान स्वयं खोलते हैं इस श्लोक में। भगवान कह रहे हैं धर्मो मद भक्ति ही कृत प्रोक्तो ज्ञानम चा काम्य दर्शन। ये जो धर्म की चर्चा, कौन सा धर्म प्राप्त हो जाएगा, भगवत भक्ति रूपी धर्म प्राप्त होगा उसको। धर्म वही है जिससे सचमुच में भागवत का सिद्धांत क्या है, भागवत का सिद्धांत ये है कि धर्म का पालन करते करते यदि भक्ति रति न उत्पन्न हो तो श्रम एव ही केवलम। भागवतकार कहते वो धर्म धर्म नहीं है, वो श्रम है। यदि धर्म का पालन करते करते भगवत भक्ति ना रति नति रति न उत्पन्न हो जाए तो वह श्रम है, धर्म नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं धर्मो मद भक्ति ही कृत प्रोक्तो ज्ञानम चाकाम्य दर्शनम। निश्चित रूप से ज्ञान क्या है, ब्रह्म और आत्मा की एकता का नाम ही ज्ञान है। ये ब्रह्म और एकता का नाम, आत्मिक दर्शन, दोनों में एक दर्शन हो। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ब्रह्म है, इसी का नाम ज्ञान है। ये शास्त्र ज्ञान का नाम शास्त्र ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं कि बहुत बड़े विद्वान हैं ये, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और गुणेशु असंगह वैराग्य, गुणों से जो असंग महाराज आसक्ति रहित है, असंगता है, वही वैराग्य है। गुणों में जो आसक्ति न हो, असंगता हो, वही वैराग्य है। और ऐश्वर्यम चा अणिमा दया, जो अणिमा लघिमा गरिमा ये जो सिद्धियां हैं इनका नाम ही ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य वह ईश्वर वाला ऐश्वर्य नहीं, ये सिद्धियों वाला ऐश्वर्य है, उसका नाम ऐश्वर्य है। इस प्रकार से महाराज भगवान भक्ति कैसे हो और भक्ति प्राप्ति के बाद लाभ क्या है, यदि भगवत भक्ति नहीं है तो हानि क्या है, इसका निरूपण किया है। अब श्री उद्धव जी महाराज प्रश्नों की झड़ी लगाने वाले हैं, एक एक श्लोक में कई कई प्रश्न किए हैं इन्होंने,
यमः कतिविधा प्रोक्तो नियमो वारिक दर्शन कस समः को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृति। प्रभो एक ही श्लोक में कई प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों का समाधान कैसे भगवान करते हैं और कैसे ये प्रश्न की श्रृंखला इनकी चलती है, इसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की, श्री राधा गोपाल भगवान की, श्री गिरधर गोपाल भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।